कार्यक्रम के अध्यक्ष वह गौरवनील कांताराव गारु जिला भारतीय जनता पार्टी रत्न सारथि सोदरुडु हरीश रेड्डी गारु मियापूर कॉर्पोरेटर सोदरुडु गंगाधर गारु मोन्ने मी अंदर मुंदु कॉर्पोरेटर गा पोटी चेसि ओडिपोयिनटुवंटि सोदरी श्रीलक्ष्मी गारु वेदिक मीद उन्नटुवंटि भारतीय जनता पार्टी सीनियर नायकुलु महिला सोदरीमणुलु वेदिक मुंदु उन्नटुवंटि भारतीय जनता पार्टी आत्मीय कुटुंब सभ्युलु बीहार ओडिशा गुजरात दूसरे लोगों दूसरे स्टेट से आके यहाँ सेटल होके भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए आज इधर आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम में जो लोग मिलाने के लिए आए उन लोगों सब लोगों को मैं भाजपा तेलंगाना राष्ट्र शाखा के तरफ से नमस्कार और प्रणाम देना चाह रहा हूँ। मेरे से पहले जो लोग बात करे जो गड़बड़ हो रहा है कालनी में जो गड़बड़ हो रहा है इधर आजू बाजू में उस चीजों के बारे में काउंसलर साहब से लेकर हरीश रेड्डी साहब तक सब लोग बोला था। मैं इसके पहले इधर बाजू में एक कंपनी रहता ग्लास कंपनी एजीए ग्लास कंपनी बोल के वो ग्लास कंपनी में प्रेसिडेंट भी था। हमारे यूनियन लीडर्स भी कई लोग इधर मजदूर है सीताराम रेड्डी जयल्ला और अशोक ये सब लोग मजदूर है मेरे के जगह और जगह के कई वोटर्स भी पुराना परिचय है मेरे लिए। जब मैं आई थिंक गंगाधर के लिए मियापुर कारपोरेटर के लिए मूसापेट का कारपोरेटर महेंद्र के लिए भी इलेक्शन में टाइम में आके कैनवास करके गया था। मैं इधर आने का मौका नहीं मिला था अगर मैं आया तो श्रीलक्ष्मी भी थोड़ा आउट उनसे जीतने का मौका मिलता था। जब मैं दौड़ता इलेक्शन के टाइम में जो दौड़ता अब उधर निकाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो लोग गुंडाराज चलाने के लिए कोशिश करे जो लोग कब्जा करने के लिए कोशिश करे कैसा वहां योगी महाराज ने उस लोगों का कंट्रोल किया जो भाग्यनगर में या हैदराबाद में कई दिनों में परसों आप लोग देखे जीएचएमसी इलेक्शन में 50 सीट उन लोगों का आए थे चार कम सीट हमारा का आया आजू बाजू आ गए। आप लोग पूरा डर खोल के जो लोग ओडिशा बिहार गुजरात से आया अब किसी भी डरने का जरूरत नहीं है। सीधा वोट डालने के टाइम बॉक्स के पास जाके किधर कमल निशान दिखे तो उधर आप वोट दबाए तो जरूर इधर भी हैदराबाद में जो गुंडाराज चल रहा वो गुंडाराज दूर करने का हस्त आपके हाथ में कल एक वोट की तरफ से एक वोट आप कमल निशान के ऊपर डाले तो आप लोगों का पूरा डर चले जाता। मैं जो लोग गुंडागर्दी कर रहा है काल में वो भाई लोग भी मैं ये विनती करना चाह रहा हूँ आज तक जो करे घरे हो गई आज के बाद भी आप भी जरा अच्छा रह के अच्छा बदल के इंसाफ के तरफ डरे तो आपको भी अच्छा रहता। नहीं तो क्या होता बोले तो जो उत्तर प्रदेश में जो चला जो गुंडाराज को 5 साल के अंदर योगी जी ने कंट्रोल किया वैसे भविष्य में भाग्यनगर में भी कोई कुछ शोध करने का जरूरत नहीं है। ज्यादा दिन गुंडाराज नहीं चलेगा किधर भी तेलंगाना भी थोड़ा अभी वो तुषार हो गई आपका जैसे लोग भी माँ बहन पे आशीर्वाद देने के लिए भाजपा के साथ सामने आ रहा उतना लोग कितना डराए तो उतना आप सामने आ रहा यही उन लोगों को मालूम होना अपन कितना डराए तो उतना लोग बाहर आ जाता अपने को नुकसान होता। जो इंसाफ करने का जगह है जो एमएलए साहब है जो कारपोरेटर है अगर सही भी उन लोग इंसाफ करे तो आज इतना जना इधर इकट्ठा होके उन लोगों के खिलाफ में आवाज नहीं उठाता था। बड़े लोगों को कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन रहते होंगे मगर कौन मरसमाचरों को कब्जा करे बोले तो एक बच्चा भी वोट भी नहीं है छोटा बच्चा आगे आके उन्होंने उसका जवाब दिया। जहां आप लोग डर रहे हो वहां छोटा बच्चा नौजवान बच्चे आगे आ रहा ये भाजपा का स्ट्रेंथ होता है। उसको जब तक वोट आते हैं जब तक वही पुकारने रहता उन लोग उसीलिए आप लोग भी किसी भी डरने का जरूरत नहीं है। आपका एमएलए रहने दो कारपोरेटर रहने दो कोई भी रहने दो आप अच्छा दिल से पूछो अच्छा बात करो अच्छा काम करने के लिए उन लोगों का वोट डाले उन लोगों को कारपोरेटर एमएलए बनाए अच्छा बनाए तो अच्छा नहीं तो 4 साल नहीं तो 5 साल के बाद जब एग्जाम के लिए आपके पास आता जब हाथ पकड़ता पाँव पकड़ता पैसे देता तो भी आप लोग एक ही याद रख लेना जो गवर्नमेंट का पॉलिसी था वो आपको मिला नहीं मिला मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। ये हैदराबाद जितना डेवलप हो रहा हाईटेक सिटी आपको कितना दूर है हाईटेक सिटी के आजू में कॉलेज कैसे है आप जहाँ रह रहे हो कॉलेज कैसे है इधर डेवलपमेंट कैसे है एक बार आप याद रख लीजिए वो सब दिल में रखे। बाजू का हाईटेक सिटी और हाईटेक सिटी का बाजू का कॉलेज का सिचुएशन अगर आपका अल्लापुर न्यू अल्लापुर और राजीव गांधी नगर कॉलोनी का डेवलपमेंट कैसा है एक बार आप देख लिए तो वोट किधर दबाना किसके निशान के ऊपर वोट डालना आप लोगों को समझ में आता। दुनिया बहुत छोटा हो गई आजकल हर जगह के पास मोबाइल फोन हो गए अगर आपके पास आपके ऊपर
कुछ ना इंसाफी हुआ, गुना अगर थोड़ा इमीडिएटली आप सोशल मीडिया में डाले तो भारतीय जनता पार्टी का कारपोरेटर से लेकर जिला अध्यक्ष तक हर जने आपके साथ रहेगा। आपके पास अगर अन्याय हो गए तो हम लड़ने वाला है, आपके साथ तैयार रहने वाला है। आज केसीआर साहब मुंबई में गए, केसीआर साहब इधर काम खत्म हो गई, केसीआर साहब का इधर कुछ भी नहीं दिख रहा, आगे सामने उसको भविष्य नहीं दिख रहा, उसीलिए उन्हें आजू बाजू जाने के लिए कोशिश कर रहा। मैं दो लाइन लोग के आपको कंप्लीट करता हूँ, मेरे को दूसरा और मीटिंग में जाने का है। इसके पहले एक बड़ा लीडर था एन टी रामाराव बोल के, एन टी रामाराव ने ऐसे ही करा, एक बार पवन में आने के बाद उसको सोचा सीएम कुछ बहुत छोटा दिखा, मैं भी दिल्ली जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोल के दिल्ली जाके उन्हें नेशनल फ्रंट बोल के एक दुकान लगाया। ठीक है, दिल्ली जाना पर आगे जाना काम शुरू किया, दिल्ली में तो हार गए तेलुगु देशम पार्टी, कांग्रेस आ गई, उधर वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, मगर इधर आंध्र प्रदेश में एनडीआर का चयन खत्म हो गए, तो उसको सेंट्रल में भी कोई बुलाने वाले नहीं था, बात करने वाला नहीं था। एक एग्जाम्पल एन टी रामाराव का था, जो लोग नीचे जमीन को छोड़ के ऊपर उड़ने के लिए कोशिश करता उन लोग कैसा चले जाता आपको मालूम है। दूसरा एग्जाम्पल है चंद्रबाबू नायडू, लास्ट इलेक्शन में 2019 में उन्होंने भी ऐसे ही किया, मोदी जी के खिलाफ में मैं भी इकट्ठा कर तुम बोल के जम्मू कश्मीर गए, तमिलनाडु गए, बिहार गए, दिल्ली गए, वापस आके देखे तो विजयवाड़ा में उसका कुछ भी कोई और खींच कर चले गए। जो लोग उन लोगों को सत्ता नहीं मालूम हो के भाई कुछ और करने वाला है दिल्ली जा तुम बोल के एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचने तक 2 दिन लगता, और 2 दिन के बाद फिर वापस आए तक वह कुर्सी चले जाता। अभी यही वही काम जो चंद्रबाबू नायडू जी ने 2019 में किया, वही काम आज चंद्रबाबू नायडू ने, चंद्रबाबू नायडू का शिष्य चंद्रशेखर राव भी शुरू किया। मैं भगवान से सुबह यही प्रार्थना किया, जो गड्ढा पे हिंदू साम्राज्य बनाने के लिए जो छत्रपति शिवाजी के टर्मिनल पे आज चंद्रशेखर राव मुंबई में उतरे, वहां जाके शिवाजी महाराज को एक फूल की हार डाल के और भगवान को प्रे करो, मां भगवान मेरे को अच्छा दिल दो, अच्छा दिमाग दो, मेरा ग्राउंड अच्छा रहे जैसा था बोल के। मगर जब विनाश का रहा था, जब लोगों को कुछ भी समझने में नहीं आता, हम ही सब है हमारे पास ही सब कुछ है बोल के सोचता, वैसे चक्कर में अपना सीएम साहब इधर उधर करना शुरू किया। इसका ग्राउंड समझने में आ गए तेलंगाना में उसका खत्म हो गया बोल के। सो आप लोग भी इससे भी डरने का जरूरत नहीं है, पुलिस भी आजकल तो अच्छा काम कर रहा, इधर लोकल का पुलिस भी अच्छा काम करना बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों से सी टीम बोलते वो टीम बोलते, उन लोगों का रिंग टोन भी आप सुने होंगे, भद्रता मारे भाग्यता मारे, कई बार फोन करके देखो 100 पे अगर 100 से रिप्लाई नहीं आया समझो, जब देखेंगे क्या करना कैसा करना, डर बोल के जो लोगों से डराने के लिए कोशिश कर रहा, इतना जना इकट्ठे होने के बाद क्या होता आप लोग छोटा सा में सुने होंगे, चिमटी बहुत छोटा दिखता, वो लाल चिमटी तो बहुत इतना ही दिखता आपका जैसा, चिमटी देखे तो इतना ही रहता, मगर वो नाग सर्प को देखे तो बहुत बड़ा रहता। कभी कभी आप छोटा भैंसों टाइम में पुस्तकों में पढ़े होंगे, 10 चिमटी पकड़े तो नाग सर्प का क्या होता आप देखे होंगे, आप इतना लोगे आज आप चिमटी का जैसा दिख रहा होंगे, मगर जब आप लोग इकट्ठा होके कुछ काम करना बोल के आप एक शपथ लिए तो रिजल्ट क्या होता आपको मालूम है। तो आप इकट्ठा रहो, आपके साथ भाजपा रहेगा, मेरा सब मित्र मंच में बैठे थे, हर मित्र बोला भाजपा का एक ही स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अब कौन सा स्टेट से है, कौन सा कम्युनिटी का है, कौन सा रिलीजन को फॉलो कर रहा, आप पूरा इंडियंस है, आप हमारा पूरा भाई बहन समझ के हम आगे चलने वाला है। भविष्य तेलंगाना में भाग्यनगर में पूरा भाजपा आने वाला है, इसको कोई भी नहीं रोक सकते, ये तो आप दिल में रखे, भाजपा का साथ दीजिए, हम आपको जब तकलीफ रहेगा हम सब भी आपके साथ में रहेगा। मैं कभी कभी इधर एजीए ग्लास कंपनी को आता हूँ, हमारा यूनियन लीडर्स भी इधर ही रहते हैं आपके मोहल्ला में और आपका कॉलोनियों में, तो कभी कभी आपसे मिलने का मौका भी मिलेगा, आईना भी फ्यूचर में भी मैं आपको साथ देने वाला हूँ, तो उसी लिए आप लोग अच्छा रहो, डरना नहीं, और जो कारपोरेटर है जो MLA है न्याय के खिलाफ काम कर रहा, आपके खिलाफ काम कर रहा, जब वक्त मिलता असेंबली में आपका जो भी तकलीफ है वो सब असेंबली में पूछ के सीएम साहब से अगर लड़के हो सके तो आपको इंसाफ करने का कुछ पता दिलाने के कुछ जमानतम दिलाने के जरूर ही अल्लाह लोगों की तरफ से, राजीव गांधी नगर के लोगों की तरफ से जरूर, भारतीय जनता पार्टी का एक MLA के नाते आपको साथ देते बोल के मैं 7 बजे दूसरा एक मंच पे जाने का, उसी लिए मैं आपसे विनती करता हूँ भाजपा को साथ दीजिए,
कभी भी वक्त आता भाजपा को मौका दीजिए, एक गुंडा राज को हटाएंगे, देश को बचाएंगे, भाग्यनगर को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।